बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ सेल्फी पर राजनीति तेज हो गई है। शराब माफिया राकेश सिंह के साथ सीएम नीतीश की फोटो वायरल होने पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन पर जोरदार हमला किया है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने शराब माफिया के सीएम के साथ वायरल तस्वीर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या मुख्यमंत्री जी शराब को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? जहरीली शराब के अभियुक्त को सम्मानित क्यों किया गया? नीतीश जी बताए क्या सुशासन का यही फॉर्मूला है? जो आपको कैमूर के इलाके में जो देखने को मिला होगा कि काफी लोगों की जान चली गई और काफी लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, और मुख्यमंत्री जी ने अभी शुरुआत की है दहेज प्रथा के विरुद्ध, जो सामाजिक सुधार करने की जो बात कर रहे हैं और जागरूकता अभियान फैलाने की बात कर रहे हैं, इसको लेकर के आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा है। आज मुख्यमंत्री जी से हम कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, जो बताना चाहेंगे। जब शपथ लिया गया ना शराब पिएंगे ना पीने देंगे, और जो लोग पीते हैं उनको भी समझाने का काम करेंगे, ये आप सब लोग इसके गवाह हैं। और शराबबंदी के बाद भी लगातार शराब बिक रहा है और लोग मारे जा रहे हैं। कानून बन गया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से कितना ध्यान नहीं दिया जा रहा है शराबबंदी को लेकर के। तो इस पे मुख्यमंत्री जी ने दो दिन पहले एक टीचर हैं आरा के, उनको बुला करके सम्मानित करने का काम किया था दहेज को लेकर के, जो उनका अभियान है। और उन टीचर के साथ एक सदस्य जो मेन अक्यूज, जो आरा में जो शराब कांड जो हुआ था जिसमें कि काफी दलित परिवार के लोग मारे जा चुके थे, लगभग 29 से 30 आदमी की मृत्यु हुई थी, जो उसमें मुख्य अभियुक्त है, जो मुख्य आरोपी है, उसके साथ मुख्यमंत्री जी ने सीएम हाउस बुला करके ड्राइंग रूम में बैठ करके फोटो खिंचवाने का काम किया है। तो मेरा यही प्रश्न है कि मुख्यमंत्री जी क्या शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, या एक कानून बना करके दूसरा कानून पे चले जाना, या सिर्फ अपनी छवि को सुधारने का काम कर रहे हैं? और जितने भी जदयू के वो प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, जो मुख्य आरोपी उसका नाम राकेश सिंह है, और काफी दो चार चित्र हैं जो हम आप लोगों के सामने भी लाएंगे, जो मुख्यमंत्री आवास के अंदर है। मुख्यमंत्री जी से मिलना इतना मुश्किल होता है कि उनके जितने मंत्री उनको भी सोचना पड़ता है अपॉइंटमेंट लेने के बारे में, और जितने विधायक हैं उनकी तो एंट्री नहीं होती है मुख्यमंत्री आवास में। तो उनके राकेश सिंह को अपने साथ बैठा करके मुख्यमंत्री जी क्या शराब को बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहे? क्या मुख्यमंत्री जी जो गैर कानूनी तरीके से जो गोरख धंधे जो कर रहे हैं शराब को लेकर के, क्या उनको संरक्षण देने का काम नहीं कर रहे? वहीं दूसरी ओर एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब माफिया राकेश कुमार की चर्चा करते हुए कहा कि कहां से कैसे कैसे पार्टी में आ जाते हैं, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन जानकारी हुई तो कार्यवाही की गई है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।